सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रे छाऊं, बाले कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आपको पता ही है शाम का टाइम है, मैं यहाँ पर कर रही हूँ शाम की दियाबाती मंदिर में। तो इस समय वैसे ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं और ठंडियाँ स्टार्ट होते ही ना 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा होते ही हमारा दिमाग चलने लगता है कि खाने में क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है। फिलहाल यहाँ पर मेरी दियाबाती हो गई है और टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आज आपके साथ अपना नाइट डिनर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप ब्लॉग में बने रहिएगा प्लीज़ प्लीज़, ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज आपके साथ मैं बढ़िया बहुत ही टेस्टी मलाई पनीर मेथी की सब्जी रेस शेयर करूंगी और नान शेयर करूंगी। तो नान मैं यहाँ बहुत हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने आटे में डाल दिया है 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच करीम नमक, और इसमें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर जाएगा बेकिंग सोडा, साथ में 5 से 6 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद यहाँ पर मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें डालूंगी दही। तो दही को काफ़ी मतलब हमें फ्रेश दही लेनी है और अच्छे से फेंट लेनी है। तो वैसे तो नान मैदे से बनती है, लेकिन हम जो है ना नान खाएंगे लेकिन हेल्दी तरीके से खाएंगे, मैदा काफ़ी नुकसान होता है सभी को पता है। बस बाकी यहाँ पर मैंने गुनगुना दूध लिया हुआ है और दूध से ही हमें ये अच्छे से आटा लगाना है। तो नान तो मैदे से ही बनती है, आप किसी भी ढाबे होटल पर खाइए नान मैदे की ही बनती है, लेकिन आप आटे से भी बना सकते हैं जो कि हमें नुकसान नहीं करती, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आटा लग गया है, ऊपर से मैंने थोड़ा सा रिफाइंड लगा करके और इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, 1 घंटे के बाद ही इसे हम खोलेंगे। तो तब तक सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी है आपको दिखाने के लिए, बाकी मैं आपको बनाती जाऊँगी शेयर करूँगी कि क्या क्या इसमें मैंने डाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, मस्ट है सरसों का तेल, ये सब्ज़ी सरसों के तेल में बनाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हींग और कटे हुए पनीर। तो पनीर यहाँ मैंने जो 250 ग्राम लिया है करीब, और उसके बाद इसे अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं करना है नहीं तो फिर कड़ा हो जाएगा। और एक मैं टिप दूंगी कि अगर बाई चांस आपकी पनीर कड़ी हो जाती है तो आप उसे गुनगुने पानी में डाल दें। तो बस बचे हुए तेल में यहाँ पर मैंने डाल दिया है मेथी, मेथी को काफ़ी अच्छे से मैंने साफ़ करके धुल लिया था, और मेथी को अच्छे से भूनना है, जितनी अच्छी मेथी भुनेगी उतनी अच्छी हमारी सब्ज़ी होगी। तो बस साइड में करके इसी में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन और 1 इंच का अदरक मैंने लिया था, इसे मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है यहाँ पर इतना आप देख सकते हैं। तो बस इसे अच्छे से हमें दोनों चीज़ों को डाल करके फिर तीनों चीज़ों को एक साथ अच्छे से भूनना है, जितने अच्छे से जो है मेथी भुनेगी ना कड़वी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो बस यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी, आप चाहे तो सेम कढ़ाई में या पैन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल लिया है सरसों का, साथ में मैंने 1 चम्मच बटर लिया है। अगर बटर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप देसी घी पसंद हो तो देसी घी में भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर अच्छे से ये मेल्ट हो गया, मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा डालने के बाद में सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को हमें भूनना है, बहुत ही सुंदर गोल्डन फ्राई करना है, जलाना नहीं है, बस सॉफ्ट होने तक इसे हमें गोल्डन करना है। तो आप देख सकते हो क्या इसमें मैंने डाल दी है हरी मिर्च, और साथ में कुछ जो बेसिक मसाले होते हैं वो सब डाल देंगे। रेड चिली पाउडर मैं यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा टेस्ट के लिए किचन किंग मसाला और 1 टमाटर, इतनी चीज़ें डाली हैं मैंने। और लगभग 75% जब ये हमारा मसाला हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया दही, और दही डालने के बाद बस इसे हमें कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो दही फट जाएगी, और दही एकदम फ्रेश दही है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मटर, तो मटर यहाँ पर उबली नहीं थी इसलिए मैंने मसाले के साथ में डाला है, जिससे मसाले के साथ हमारी मटर भी हो जाए। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया नमक, और साथ में ये जो मेथी वाला जो हमने भून के रखा था ना वो मेथी डाल दी। तो बस यहाँ पर जो है पानी डाल करके और ढक करके इसे तब तक पकाना है कि जब तक कि हमारी मटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलिए इसे ढक करके पका लेते हैं मटर सॉफ्ट होने तक। तो यहाँ पर जो है मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है आप देख सकते हैं। तो बस इस स्टेज पर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे पनीर, और यहाँ पर अगर आप पनीर नहीं भी ऐड कर करना चाहते हैं ना तो सिर्फ मटर, मलाई मटर भी बनती है मेथी मटर, और लेकिन मुझे पनीर बनाना था मैंने पनीर डाला। तो और रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डाला, 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है, और बस इसे अच्छे से मिक्स किया है। थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा क्योंकि सब्ज़ी नीचे से जिससे लगे ना। तो बस यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम पर एक के पका लेंगे, और मन कहे तो आप यहाँ पर मलाई भी डाल सकते हैं, मैंने 1 चम्मच मलाई डाली है फ्रेश दूध के ऊपर की मलाई। और बस यहाँ पर जो है मैं इसे ढक करके अच्छे से पका लूँगी,
और पकने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है। नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ आप इसे खाइए, सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। तो एक बार आप अगर नहीं बनाया है कभी आपने इस तरीके से ना, तो एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी, और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी है। तो सब्जी तो बन गई थी और लगभग एक घंटे से ज़्यादा हो गए थे। आइए दिखाते हैं आटा, और आटा अच्छे से गूंथ लेंगे खूब बढ़िया से। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल जैसे रोटी बनाते ना, उससे थोड़ी मोटी ही रोटी बनानी है। और रोटी बनाने के बाद में इसके एक तरफ हम इस पर लगा देंगे पानी, और जिस साइड पर पानी लगाएंगे उसे हम पानी की साइड से ही तवे पे डाल देंगे कुछ इस तरीके से। और तवा यहाँ पर लोहे का ही लेना है, नॉन स्टिक नहीं लेना है। तो बस अब इसको तब तक हमें मतलब 3 मिनट या फिर तब तक कि जब तक इसमें बबल ना निकलने लगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने लगे हैं, आटा हमारा काफ़ी अच्छे से तैयार हुआ था। तो बस एक साइड से हो गया है, दूसरे साइड से जब बबल आ जाए तो इस तरह से तवे को उठाना है, पलटना है और सेकना है। और ये लीजिए बढ़िया तैयार है हमारी बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाई गई नान। और बस बटर लगाइए, इंजॉय करिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है कान्हा की प्लेट लगा दी है, इसमें मैंने लगा दिया है बटर। कान्हा के लिए मैंने सब्जी अलग से बनाई थी, थोड़ी सी पनीर बटर मेथी मिला करके। तो चलिए कान्हा को भोग लगा देते हैं, उसके बाद सबको खाना दे देंगे। और रात के बज चुके हैं 9:30। तो बस यहाँ पर कर रही हूँ ब्लॉग का इन। ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करिएगा, मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं सबकी प्लेट लगा रही हूँ, सबको खाना दे दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।